सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी अस्सलाम वालेकुम किचन विद वैरू में हाज़िर हूँ आज मैं आपके लिए स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ बेसन की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है ये आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वन प्लस हाफ कप बेसन टू टेबल स्पून सूजी वन थर्ड कप घी हाफ टी स्पून पिसी हुई इलायची हाफ कप शुगर और वन थर्ड कप पानी आइए अब बेसन की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं शीरा तैयार करूंगी इसके लिए मैंने पैन में पानी और चीनी डाल दी है और मीडियम फ्लेम पे इसे अब मैं चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे मैंने इतना पकाया है कि चीनी अब मेल्ट हो गई है अब मैंने फ्लेम लो कर दी है और लो फ्लेम पे अब मैं इस शीरे को पकाती रहूँगी और साथ साथ चेक करती रहूँगी अगर शीरा थोड़ा थिक हो रहा है और एक तार बन रही है तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे लो फ्लेम पर शीरे को मैं पकाती रहूँगी और साथ साथ चेक करती रहूँगी थोड़ी देर बाद अब ये देखिए शीरा थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है और अभी एक तार नहीं बन रही मैं इसे मज़ीद लो फ्लेम पे पकाऊँगी शीरे को मैंने कुछ देर और पकाया है अब मैं दोबारा से इसे चेक करूँगी अभी देखिए शीरे की एक तार बनना शुरू हो गई है शीरा बिल्कुल तैयार है मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। शीरा तैयार है शीरे को मैंने साइड पे रख दिया है अब मैंने एक और पैन लिया है इसमें बेसन डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे मैं रोस्ट करूँगी और तब तक रोस्ट करूँगी जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती बेसन अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है इसमें से खुशबू भी आ रही है अब इस टाइम पर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करूँगी सारा घी एकदम नहीं डालेंगे हम अच्छी तरह से घी डालकर इसे मिक्स करते रहेंगे और देखते रहेंगे जितनी ज़रूरत होगी हम उतना इसमें घी डालते जाएंगे अभी भी थोड़ा बेसन ड्राई है अब मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है घी डाल के मैं साथ साथ इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ हमें बेसन को इस टाइम पे भी अच्छा सा भूनना है अब मैं तमाम घी इसमें ऐड कर दूँगी बेसन मुझे ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने सारा घी इसमें डाल दिया है जितना मैंने लिया था तमाम डाल दिया है घी डाल के हमें बेसन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है साथ ही इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब हमें मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पे बेसन को इतना भूनना है कि घी बेसन से अलग होता हुआ नज़र आए अब देखिए मैं साथ साथ इसे भून रही हूँ अब इसके बीच में आप पिसी हुई इलायची डाल दें चाहें तो इलायची को आप शीरे में भी ऐड कर सकते हैं मैंने बेसन में ऐड किया है जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करूँगी अब देखें बेसन में घी निकलना शुरू हो रहा है अच्छी तरह से हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए बेसन को भुनना है अब ये देखें बेसन अच्छी तरह से भुन गया है और घी भी थोड़ा सा निकल आया है फ़्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना हमें बिल्कुल मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे इसे भूनते रहना है अब ये देखें घी मुकम्मल तौर पर बेसन में से निकल आया है अब इसके बीच में मैं शीरा ऐड कर दूंगी। शीरा डाल के हमें फ़ौर चम्मच से इसे मिक्स करना है और फ्लेम अब मैंने ऑफ कर दी है अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने पैन को पहले से ऑयल ग्रीस करके रेडी रखा हुआ था अब इस बेसन के मिक्सचर को मैं इस पैन में डाल दूंगी और फ़ौर से हमें इसको फैला देना है अच्छी तरह से इसे प्रेस करके बराबर फैला दें अब इस हलवे पे चाहें तो पिसा हुआ खोपरा डाल लें बादाम डाल लें या अखरोट डाल लें आपकी मर्ज़ी है मैंने इसके ऊपर चॉप किए हुए बादाम डाल दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मैं प्रेस कर दूँगी अब इसके ऊपर मैं एक दफ़ा कट के निशान बना लूँगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए दो घंटे रख दूँगी बर्फ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की है आज मैंने आपको बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी बताई है बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें इसमें आप अपनी मर्जी से नट्स ऐड कर सकते हैं बादाम अखरोट पिसावा खोपरा जो भी आप ऐड करना चाहें इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले अल्लाह हाफिज़